गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनीता राजपूत। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मैथ्स पजल्स सॉल्व करेंगे, समझाएंगे आपको। देखिए, ये है मैथ्स पजल। मैथ्स पजल नंबर वन। इस मैथ्स पजल में देखिए, यहाँ पर थ्री स्क्वायर बने हुए हैं, 1, 2, 3। इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं स्क्वायर के अंदर, और ये जो है बीच में सर्किल में, ये हर स्क्वायर का इसमें आंसर दिया हुआ है। सर्किल में जो दिया है, फर्स्ट स्क्वायर में देखिए 5 आंसर दिया हुआ है, सेकंड स्क्वायर में 6 आंसर दिया हुआ है, और थर्ड स्क्वायर में हमें आंसर निकालना है कि इसमें हमारा क्या आंसर आएगा सोल्व करके। अब देखिए, ये किस मेथड से, किस तरह सोल्व होंगी ये। देखिए, फर्स्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग, अब इसमें हम इन सब को देखिए, स्क्वायर में जो ये नंबर दिए हुए हैं बॉक्स में, इन सब को प्लस करेंगे, जो नंबर जो डिजिट दी हुई है, और उसका हम फिर एवरेज निकालेंगे। अब देखिए, और किसी तरह से हम सॉल्व करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके, तब इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसलिए हम पहले इन सब डिजिट को प्लस करेंगे और फिर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो एक तरह से ये आपका एवरेज निकालने जैसा होगा सॉल्व। अब देखिए, स्क्वायर नंबर वन, स्क्वायर वन में देखिए क्या क्या डिजिट दी हुई हैं, 3, 8, 2, 7। तो इन सबको हमने 4 डिजिट को प्लस किया, 3 + 8 + 2 + 7 / 4। 4 क्यों हमने 4 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट है, 4 नंबर हैं। जब हम एवरेज निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो वहाँ पर हम उससे ही उसका होता है, आपको फॉर्मूला भी पता होगा, उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें 4 क्वांटिटी दी हुई हैं, उनको हमने सम किया, प्लस किया, और 4 से इसलिए हमने डिवाइड किया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, 3 + 8 + 2 + 7 / 4। इन सबको ऐड किया, 7 और 2 9, 9 और 8 17 और 3 20, 20 / 4। 4 से डिवाइड किया यानी काटा 4 से 20 को, 4 × 5 = 20 = 5। तो फर्स्ट स्क्वायर का, ये जो फर्स्ट स्क्वायर है, इसका आंसर आया हमारा 5। अब देखिए, सेकंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग, इसमें भी हम इसी मेथड से, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्व। देखिए, 7, 6, 4, 5, 8, इसमें 5 डिजिट दी हुई हैं, 5 क्वांटिटी दी हुई हैं, और इन सबको हम पहले प्लस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसका आंसर 6 दिया हुआ है। अब इन सबको प्लस करेंगे, 7 + 6 + 4 + 5 + 8 / 5। यहाँ पर हमने अपॉन 5 क्यों किया, क्योंकि इसमें यहाँ पर 5 डिजिट दी हुई हैं, 5 नंबर्स दिए हुए हैं, और इसको हमने इसलिए 5 से डिवाइड किया। अब इन सबको प्लस करेंगे पहले, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23 और 7 30, = 30/5। 5 से काटा 30 को, 5 × 6 = 30, = 6। तो इसका आंसर आया हमारा यहाँ पर 6। अब देखिए, थर्ड स्क्वायर जिसमें हमें आंसर निकालना है, जिसका सोल्व करना है, थर्ड स्क्वायर में देखिए, उसको भी हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे जैसे हमने 2 स्क्वायर सोल्व किए हैं, उसका भी हम एवरेज निकालेंगे। अब देखिए, इसमें डिजिट दी हुई है 8, 9, 7, 7, 8, 9। अब 6 डिजिट है, तो इनको स्क्वायर थर्ड में इनको हम पहले प्लस करेंगे, 8 + 9 + 7 + 7 + 8 + 9 / 6। अब यहाँ पर हमने 6 क्यों किया अपॉन, क्योंकि यहाँ पर 6 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 से डिवाइड किया। अब देखिए, इनको ऐड करेंगे, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31, 31 और 9 40 और 8 48। इन सबको प्लस किया हमने, तो 48 आया हमारा, = 48/6। अब 6 से काटा 48 को,
सिक्स एट जा 48 इक्वल टू 8, तो इसका आंसर आया हमारा यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है थर्ड स्क्वायर में, इसका आंसर 8 आया, तो हमने यहाँ पर 8 फिल किया ये आंसर। स्टूडेंट्स ये है हमारी पजल नंबर 2। अब इसमें देखिए ये 3 फिगर बनी हुई है 1 2 3, इसमें अंदर ये स्क्वायर बने हुए हैं छोटे छोटे। अब देखिए इसमें हमें सोल्व करना है इनका भी आंसर जो है, ये बीच में लिखा हुआ है सेंटर में, इसमें जैसे फर्स्ट फिगर में 6 आंसर दिया हुआ है और सेकंड फिगर में 8 आंसर दिया हुआ है और थर्ड में हमें निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ पर थर्ड फिगर में। अब देखिए फर्स्ट फिगर में, देखिए फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम इन्हें केवल प्लस करेंगे 2 डिजिट को या सबको प्लस करेंगे तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा 6 यहाँ पर, और अगर हम माइनस करेंगे केवल तब भी नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले ये आमने सामने की जो डिजिट हैं इन दोनों को प्लस करते हैं और इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो प्लस करके आएगा उसमें से दोनों के जो आंसर आएंगे प्लस करके उनको आपस में माइनस करेंगे। अब देखिए कैसे किस तरह से, अब पहले हमने 9 और 8 ये प्लस किया दोनों, 9 प्लस 8 इसका आंसर आया यहाँ पर 17। अब देखिए इसी तरह 5 और 6 ये दोनों, ये 5 और ये 6 इन दोनों को प्लस किया 5 और 6 11, अब दोनों को हमने माइनस किया 17 माइनस 11 इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया ये 6। इस पैटर्न से ये सोल्व किया तब हमारा 6 आंसर आया। इसी तरह देखिए सेकंड फिगर में, इसमें भी ऐसे ही 4 नंबर्स लिखे हुए हैं स्क्वायर्स में और बीच में आंसर दिया हुआ है, इसमें भी हम 8 और 3 एक साथ ऐड करेंगे और 2 और 1 को एक साथ ऐड करेंगे। अब देखिए 8 और 3 8 प्लस 3, तो इसका आंसर आया 11 ऐड करके और 2 और 1 को ऐड किया, 2 प्लस 1 ये आया 3। अब 11 और 3 को माइनस करेंगे, 11 में से 3 को माइनस करेंगे, 11 माइनस 3 इक्वल टू 8, तो सेकंड जो आपकी फिगर है ये इसका आंसर 8 आया, इसमें भी 8 ही आंसर दिया हुआ है, तो ये भी हमारी करेक्ट है, करेक्ट सोल्व हुआ है। अब देखिए थर्ड फिगर जिसमें हमें आंसर निकालना है, सोल्व करना है क्वेश्चन, अब देखिए इसमें भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे जैसे हमने दोनों फिगर में किया है। अब इसमें भी 6 और 7 6 प्लस 7 को ऐड किया तो 6 7 13, और 4 प्लस 5 इन दोनों को ऐड किया, 4 और 5 9, अब 13 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तब हमारा आएगा 13 में से माइनस 9 किया तो 4, तो इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ हम साइड में इधर को लिख सकते हैं कहीं भी किधर भी साइड में 4 आंसर, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आप लिखेंगे 4। इस थर्ड फिगर का हमारा आंसर सोल्व करके 4 आया, इस तरह हमारी सेकंड पजल सोल्व हुई है। स्टूडेंट्स आपको ये दोनों पजल अच्छी लगी होगी, थैंक यू।